नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, श्री जी संतोषी डी सेशन लोक समय आप सबके स्वागत है। आज लेके आओ संगवारी हो आप मन बर मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू की रेसिपी। और मैं हाँ तिल गुड़ के तीन अलग अलग रेसिपी बना के दिखाऊँ संगवारी हो आप मन ला, तो वीडियो में आप मन बने रहो। हमारे रेसिपी अच्छा लगते तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो आप मन। हाँ तो मैं तो चलो फिर आज की रेसिपी ला शुरू करता हूँ। अभी करा मैं तिल गुड़ के लड्डू बना डरे हूँ, देख सकते हो आप मन। हाँ बहुत अच्छा से बने हैं। अवेला बनाए बर संगवारी हो ये जगह मिले हम आधा किलो तिली हवे, और एक पाव मूंगफली है, और एक पाव एकरा गुड़ हवे। और कढ़ाई ला गरम करे बर रख दे हम यहाँ। सबसे पहले हमन ला तिली ला भून लेना है। तिली ला बढ़िया से भून लेना है, लाल के होतला अच्छा से चटकतला एकर लगातार चम्मच ला चला के। ज़्यादा टाइम नहीं लगे संगवारी हो, तिली है जल्दी से भुजा जाते। देख सकते हो तिली है बढ़िया से भुजा गए हवे। अवेला मैं दूसरे बर्तन में पलट लेता। गैस ला करते हुए अपन दूसरे बर्तन में ला पलट लेता। अभी करा कढ़ाई गरम है संगवारी हो, देख सकते हो आप मन। हाँ गैस ला फिर से जला ले हम यहाँ। अभी करा मूँगफली ला भी भून लेना है। मूँगफली ला भून के का छिलका ला निकाल लेना है। अब मूँगफली अभी बढ़िया से भुंजा गई है, देख सकते हो आप मन। हाँ मेरा भी निकाल लेता हूँ, एक छिलका ला निकाल ले वो। और कढ़ाई है गर्म ही संगवारी हो, और एक डाल देता हूँ यहाँ एक चम्मच घी। घी के जगह आप मन रिफाइंड ऑयल ले सकते हो एक चम्मच। और घी यहाँ ला अच्छा से पिघल गई हवे। अभी करा कटोरी में ले हूँ मैं, अलग से कर ले हूँ तिली ला एक कटोरी। अभी करा गुड़ में एक कटोरी गुड़ ही, और घी अच्छा से पिघल गई मैं डाल देता हूँ गुड़ ला कटोरी गुड़ ही। गुड़ अच्छा से पिघला ले वो, और जितना तिली संगवारी हो उतना का नहीं गुड़ है। अभी कर डाल देता हूँ यहाँ एक चम्मच पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, और गुड़ बढ़िया से पिघला लेना है। और गैस की आँच में कम में करे हूँ अभी। अब देख सकते हो गुड़ अच्छा से पिघल गया अभी। लगातार चम्मच ला चलाते रहना है ना तो गुड़ है जल जाते। गुड़ के पाग आए कि नहीं आए संगवारी को देख सकते ना मन। हाँ कैसे चेक करा था मैं यहाँ। अभी कर ली हूँ मैं यहाँ पानी कटोरी में, हमें गुड़ ला डाल दे हूँ मैं यहाँ। चेक करके दिखाता हूँ आप मन ला कर पागा है कि नहीं। अब देख सकते हो एक जगह इकट्ठा हो गई। अब हाथ से खींचा था संगवारी हो तो देख सकते हो रबड़ जैसे खिंचाते, बस अतनी पान हम ला है गुड़ के पागला रख लेना है। अब जल्दी से हमें तिली ला डाल देना है जो भूंज के रखे नोला। अच्छा से ला मिला ले वो। गैस लम यहाँ बंद कर दे हम। अभी कर डाल दे हमें संगवारी हो थोड़ा सी मूँगफली, बढ़िया से मिक्सर कर दे वो। मिक्सर करे के बाद में कर जल्दी से कल लड्डू बना लेना है। ठंडक होए के बाद संगवारी का लड्डू नहीं बना, जल्दी से नहीं बने जम जाते, तो पहले गरम गरम ही अच्छा से कल लड्डू बना लेना है। और छोट लड्डू ला आप मन अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हो। अब हाथ में मैं थोड़ा से पानी कर ले हूँ, ओकर बाद कर लड्डू ला जल्दी जल्दी बना ले था। बहुत आसान है संगवारी हुए लड्डू के बनाना, अब कम समय में भी बन के तैयार हो जाते। यही प्रकार से सब लड्डू ला बना ले वो।
अब एक देख सकते हो तीन लड्डू ला मैं बना ले रहे हैं, थोड़ा से बचे हवे ओला भी बना लेता हूँ मैं। अब एक करा मैं सबो तिल लड्डू ला बना ले रही हूँ, देख सको कितना अच्छे से गोल गोल बने हवे। अब एक करा संगवारी हो एक कटोरी गुड़ हवे और एक कटोरी तिल हवे और एक कटोरी मूंगफली हवे, थोड़ा सा ले हम यहाँ किशमिश। आधा किलो तिली में मैं एक पाव तिली के ही बनाऊँ संगवारी हो, एक पाव तिली ला मैं यहाँ रख दे रही हूँ। अभीला मैं मिक्सी के जार में डाल दी हूँ और यह मैं तिल गुड़ की गजक बनाता हूँ संगवारी हो। अभीला मिक्सी में मैं पीस लूँ और थोड़ा सा तिलीला बचा दे हूँ, बोला मूँगफली में डाल लूँ मैं। अब देख सकते हो तिलीला पीसे के बाद में कैसे दिखाते तिल आप मन। अभी मैं गुड़ डाल के भी पीस लेना है। अभी करा मैं एक कटोरी गुड़ संगवारी तो आधा गुड़ ही मैं डालूँ, आधा गुड़ मूँगफली पर रख दी हूँ मैं। और मिक्सी में डाल के एकदम बढ़िया से पाउडर बना लेना है। पाँच मिनट में बन के तैयार हो जैसे संगवारी हो गजक, ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अब देख सकते हो गुड़ मिला भी पीस ले हम यहाँ। अभी करा मैं केक टिन ले हूँ, केक टिन में ही इला अच्छे से सेट कर लेता हूँ। केक टिन के जगह आप मन कोई भी थाली या मिठाई के डब्बा रिचे संगवारी हो में भी सेट कर सकता हो आप मन, हमें भी बहुत अच्छा से सेट हो जाती। डाले के बाद में अच्छा से हाथ में दबा देता हूँ मैं यहाँ ताकि अच्छा से सेट हो जाए गजक। अब खाए में बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी लगते संगवारी हो, बिल्कुल पाँच मिनट में बन के तैयार हो जाते, ज़्यादा टाइम नहीं लग। अब अच्छे से दबा देता हूँ मैं यहाँ। अभी करा मैं सेट करे बार रख दी हूँ बस पाँच मिनट भर, यानी कि काट ले वो अच्छा से अपन मनपसंद आकार में। अभी करा मिक्सी के जार ले हूँ संगवारी को, अभी कर मूँगफली का पीस लेता हूँ मैं और थोड़ा सा तिल ले रही हूँ ओला भी पीस लेता हूँ। अब देख सकते हो एकर भी मस्त पाउडर बन के तैयार है। अभी कर जो गुड़ बचा के रखे रही हूँ आधा आधा ला ओला इनमें डाल के पीस लेता हूँ। ढक्कन लगा दे हम ओला बढ़िया से पीस ले वो हिला भी। अब देख सकते हो संगवारी हो पीसे के बाद में कितना अच्छा से चिपचिपा हो गया। अभी आप मन चाहो तो एक बर्फी भी बना सकता हो, पर मैं एक बनाता हूँ लड्डू मूँगफली के लड्डू। अभी खाए में बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी लगते संगवारी। आप मन चाहो तई में इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, पर मैं इलायची पाउडर नहीं डाले हूँ। अभी कर थोड़ा से ले रही हूँ किशमिश, मतलब अभी किनारा में रख ली हूँ। अभी कर बढ़िया से लड्डू बना लेता हूँ, देख सकते हो आसानी से बन जाते का लड्डू हुआ गोल गोल। अभी कर ऊपर में किशमिश ला इमें लगा दे हूँ थोड़ा सा दबा के। ये प्रकार से सबो लड्डू ला बना ले वो। खाए में बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी लगते संगवारी वो, और रेसिपी थोड़ा से भी अच्छा लगती है तो आप मन लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे हूँ। Thank you.
देख सकता हूँ इस प्रकार से मैं सब लड्डू बना ले हूँ मूँगफली के। और कितना अच्छा से सॉफ्ट और नरम बने संगवारी लड्डू है और कम समय में बन के तैयार हो जाते कम सामान में। अभी करा मैं यहाँ तिल गुड़ के बर्फी जमा रही हूँ संगवारी वो गजक बोला काट ले था मैं चाकू में अपन हिसाब से आप मना जो आकार पसंद हो मैं आप मना काट सकता हूँ। कम समय में ही बनके तैयार हो जाती रेसिपी है तो आप मन भी बनाओ एक बार जरूर बना के देखो और मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे संगवारी हो तो आप मन वीडियो ला सपोर्ट करो। अभी करा मैं यहाँ तिल गुड़ के बर्फी लकाट ली हूँ अभी आसानी से मस्त निकल जाती। वीडियो थोड़ा लंबा होगी संगवारी हो तो धन्यवाद संगवारी हो वीडियो देखे बार तमिल थन नया वीडियो में तक बार धन्यवाद। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।